हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग 10 स्टॉक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये 10ों के 10ों स्टॉक फंडामेंटली काफी मजबूत हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक काफी तगड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। इसमें से कुछ स्टॉक तो ब्रेकआउट दे चुके हैं और कुछ स्टॉक ब्रेकआउट देने के स्टेज में है। तो हम लोग इस वीडियो में इन सारे स्टॉक को वन बाई वन डिस्कशन में लाएंगे और इसके चार्ट को देख करके समझेंगे कि क्यों ये स्टॉक आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दे सकता है, लंबी उछाल दिखा सकता है और हम निवेशकों को आश्चर्यचकित करके रख सकता है। पहला स्टॉक है दोस्तों मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसमें लगातार अप ट्रेंड चल रहा है और ये अपने लगभग ब्रेकआउट के पोजिशन पर पहुँचने वाला है और अगर इसमें इस प्रकार की तेजी बनी रही तो ये स्टॉक जल्द ही इन स्तरों से ब्रेकआउट देता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें फ्रेश रैली हम लोग आने वाले समय में देख पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टीटीके प्रेस्टीज। इसके भी फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं और ये भी लगभग अपने ब्रेकआउट के पोजीशन पर आ चुका है और इसने और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट वीक में तगड़ा ब्रेकआउट दे करके ये काफ़ी उच्चतम स्तर पर जा करके ट्रेड करेगा। तो टीटीके प्रेस्टीज पर भी हम लोगों को नजर रखनी होगी। तीसरा स्टॉक जो कि मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट दे सकता है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज और ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पर भी हम लोग नेक्स्ट वीक में इसमें काफी उछाल आता हुआ देख सकते हैं। चौथा स्टॉक जो कि मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट दे सकता है वो है टाटा एलेक्सी, जो कि तकरीबन 4928 के लेवल पर जाकर के ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में भी कभी भी हम लोग तगड़ा ब्रेकआउट देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4 स्टॉक पर चर्चाएं कर ली और इन चारों के फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। इन चारों ही स्टॉक के वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें ढूंढें और उस वीडियो को देखें। उसमें पूरी तरह से इसके फंडामेंटल पर चर्चा की गई है कि क्यों इसके फंडामेंटल मजबूत हैं और आने वाले दिनों में इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, सारी बातों पर उन वीडियो में चर्चा की गई है। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस प्रकार के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप व्यूअर्स के साथ रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियो को इतने सिंपल रूप से प्रेजेंट करूँ कि एक लेमैन को भी सारी बातें समझ में आ जाए और उम्मीद है कि आपको भी मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों, हम लोग पांचवें स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सा पांचवा स्टॉक है जो कि नेक्स्ट वीक में तेजी दिखा सकता है? पांचवा स्टॉक जो कि बाजार में तहलका मचा सकता है अगले सप्ताह भी। लास्ट वीक तो इसने तहलका मचाया ही था, अब अगले सप्ताह भी ये तहलका मचा सकता है, वो है एफएल इंडिया, जिसमें हम लोग निचले स्तर से काफी अच्छा रिकवरी देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक इस लेवल से भी काफी ऊपर जाकर के ट्रेड करेगा और इसमें हम लोग अच्छी खासी रैली देख सकते हैं आने वाले दिनों में। छठा स्टॉक दोस्तों जिसने कि लगभग लगभग ब्रेकआउट दे दिया और इसमें भारी तेजी हम लोग बनता हुआ देख सकते हैं, वो है इज माई ट्रिप। तो ये स्टॉक भी काफी तेजी दिखा सकता है और इसे हम लोग इज ट्रिप प्लानर के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में 512 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के भी फंडामेंटल काफी अच्छे हैं और इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वीक ये स्टॉक भी काफी तहलका मचा सकता है। सातवां स्टॉक जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि आने वाले वीक में भी काफी तेजी देखने को मिल सकती है, हालांकि इसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक काफी तहलका मचा सकता है, वो है इंडिया मार्ट, जो कि 8881 रुपए पर क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसमें हम लोग आने वाले सप्ताह में काफी तेजी देख सकते हैं। आठवां स्टॉक जिसमें हम लोग भारी तेजी देख सकते हैं आने वाले सप्ताह में, वो है CDSL, जो कि अपने न्यूनतम स्तर से काफी रिकवरी दिखा चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शेयर इन स्तरों से भी काफी ऊपर निकलने की कोशिश करेगा और अपने प्रीवियस लाइफ हाई है वहां पर जाकर के ये थमने की कोशिश करेगा। नौवां स्टॉक है दोस्तों जहां पर कि मुझे लग रहा है कि और भी तेजी बन सकती है, वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX, जो कि तकरीबन 600 रुपए पर क्लोजिंग दिया है और इसने साफ साफ ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट का लेवल दोस्तों तकरीबन
565 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। इस शेयर में भी काफी तेजी हम लोग बनता हुआ देख पाएंगे क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं और जिस सेक्टर में ये काम कर रही है वो मोनोपोली का सेक्टर है और इसके कंपटीटर कहीं भी नहीं टिकते नजर आ रहे हैं। इसकी पूरी मोनोपोली देखने को मिल रही है और इनका मार्केट शेयर जो है वो तकरीबन 90% का है, तो हम लोग इस स्टॉक में इन स्तरों से भी काफी तेजी बनता हुआ देख पाएंगे। दसवां और लास्ट स्टॉक है दोस्तों वोल्टास। इसमें ऑलरेडी बहुत पहले ही तकरीबन 1121 के लेवल पर ब्रेकआउट दे दिया था और अभी ये 1213 पर ये ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इन स्तरों से भी काफी तेजी दिखा सकता है आने वाले सप्ताह में। तो हम लोग इन दसों के दसों स्टॉक पर दोस्तों नजर रखेंगे कि हम लोगों ने जो आज इस वीडियो के जरिए बात की कि इस 10 स्टॉक में तेजी बन सकती है आने वाले सप्ताह में। तो दोस्तों आप सभी व्यूअर्स इन सारे स्टॉक पर ध्यान रखोगे, अपनी नजर रखोगे और जब भी ये स्टॉक तेजी में आएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करोगे कि हाँ ये स्टॉक जो है तेजी में चला, और जो स्टॉक तेजी में नहीं रहेगा उसके बारे में भी कमेंट करोगे कि इसमें तेजी नहीं आई। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सारे के सारे पोर्टफोलियो स्टॉक हैं और आपके भी पोर्टफोलियो में ये शामिल होंगे। हालांकि कुछ स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है लेकिन जब भी अवसर मिलेगा तो मैं इन स्टॉक जो कि मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है उन्हें शामिल करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।